Boys and girls, write down the name of the new topic. Write down the name of the new topic NBFC Non Banking, Non Banking, Financial Companies. non banking financial companies gundulak non banking financial companies अच्छा सुन लीजिए ये टॉपिक ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है छोटा टॉपिक है बट कौन से नजरिए से इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है 2016 में सर हम तो 2019 जनवरी में हैं सर 2016 में अमेंडमेंट हुआ था सो so, 2016 में अमेंडमेंट हुआ बट वो अमेंडमेंट एक साल के लिए सीमित नहीं था दैट अमेंडमेंट वॉज इंप्लीमेंटेड इन अ फेस्ड मैनर मतलब 2016 में अगर इंप्लीमेंट हुआ तो फेस्ड मैनर में इंप्लीमेंट हुआ इसके वजह से यह टॉपिक दो तक अमेंडमेंट से जा रहा था अब यह जाके टॉपिक स्टेबल हो गया है दो से बट uh, फिर भी एक हाथ साल तक और मुझे लगता है कि इस टॉपिक को आपको उस अमेंडमेंट के नजरिए से देख के जाना चाहिए उस एंगल से क्वेश्चन डिफिकल्ट है ए चैप्टर इंपॉर्टेंट है नॉट डिफिकल्ट आई एम सॉरी इंपॉर्टेंट है मतलब क्या कुछ चीजें ध्यान में रखनी है एंड थिंग्स विल बी ऑल ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि पहले भारत का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भारत के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में अगर आपको लोन चाहिए तो पुरानी चीजों को अगर आप याद करोगे और हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में सावकारी सिस्टम थी सावकारी सिस्टम को बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी था बिकॉज इट लेड टू लॉट ऑफ एक्सप्लॉटेशन ऑफ द पुअर पीपल मतलब एक्सट्रीम एक्सप्लॉटेशन और आप भरोसा नहीं मानेंगे ये आज भी चलता है रूरल में काफी कम हो गया है बट आज भी चलता है तो जमाने में लोन लेने के लिए बैंक एक संस्था बनी गई थी बट बैंक काफी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है सो so, बैंक की एक खास बात होती है एकदम खास बात बैंक जिसको नहीं चाहिए उसको लोन देती है और जिसको चाहिए उसको नहीं देती मेरी जान खा जाती है बैंक मैं परेशान हो जाता हूं भाई लोन नहीं चाहिए बट फोन करते सर आपको कोई लोन की जरूरत है नहीं चाहिए भाई क्यों जान खा रहा है एग्रीड ये डिजिटल इंडिया का एक सबसे बड़ा डिमेरिट है उनको पता चल जाता है कि रिटर्न में किसने कितनी इनकम शो कर रही है और फलाना ढिंगड़ा हमका ढमका ढमका आ जाता है डेटा फोन नंबर आ जाता है कर करके कॉल परेशान कर देते हैं तो बैंक की प्रॉब्लम क्या है कि बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा हमने बैंकिंग देखा था तो उसमें हमने क्या क्या देखा था कि अगर आपने लोन दिया सिक्योरिटी नहीं ली तो आपको प्रोविजन ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है अगरीड? और भी कई सारे प्रोविजन्स थे हमने देखे उसमें सो so, बैंकिंग डोमेन बहुत स्ट्रक्चर्ड है तो और एक लोन लेने का तरीका है वो है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जरा इमेजिन करो तुम अमेजॉन पर जाते हो राइट और अमेजॉन पर जाने के बाद में अगर तुमने नए नए शब्द सुने होंगे तो तुम्हारे पास बजाज फिनसर्व का कार्ड होगा ऐसा नाम सुना कुछ बजाज फिनसर्व का कार्ड तुम्हारे पास अगर वो कार्ड होगा तो तुमको ईएमआई पर मोबाइल मिल जाएगा ई अमेजिंग आई पर मोबाइल मिलना मतलब कहीं ना कहीं किसी ने लोन से फंडिंग की है बैंक तो नहीं है कौन है कोई एक और दूसरी कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तुम ओला उबेर देखते होंगे कई सारी गाड़िया लोग लेकर चलाते करते हैं ना कई सारे ड्राइवर लोग ये ड्राइवर लोगों के पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती उनके पास रिटर्न रिटर्न भरे हुए नहीं रहते बट फिर भी उनको लोन मिल जाते हैं और वो लोन कहां से मिलता है एनबीएफसी एनबीएफसी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो साउकारी सिस्टम को ओवर करने के लिए उसको निकाल फेंकने के लिए भारत के सिस्टम में से एनबीएफसी को लाया गया जो बैंक नहीं है बट एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपने ऐसा सुना होगा कि भारत में सावकारी सिस्टम अगर आपको करनी है तो यू हैव टू हैव अ लाइसेंस इफ यू हैव टू डू द बिजनेस ऑफ लेंडिंग द मनी एंड ऑल यू नीड टू हैव व्हाट लाइसेंस और अगर आप उसके पहले करते हो ऐसा कुछ भी सो मे बी समटाइम्स इफ्स ऐसे केसेस हुए कि उन्होंने लोन दिया बैज पर लिया उस सामने वाले आदमी ने सुसाइड कर लिया कुछ भी इसका नाम लिख दिया कुछ भी फलाना ढीगड़ा और सामने वाले आदमी को क्या जेल हो गई ऐसा देखे हुए किससे जिसने लोन दिया ऐसा होता है सो so, कुल मिलाकर एनबीएफसी जो एक्सप्लेशन था उसको रिमूव करने के लिए अनर्थ करने के लिए एनबीएफसी इंप्लीमेंट हुआ था बहुत पुरानी बात है मतलब फंडिंग का एक स्ट्रक्चर्ड वे था बैंक और दूसरा था एनबीएफसी एनबीएफसी का और एक खास बात है बहुत स्पेशलाइज नेचर से एनबीएफसी होती है स्पेशलाइज मतलब बहुत वैरायटी ऑफ एनबीएफसी होती है Companies, जैसे एक कंपनी जो सिर्फ एग्रीकल्चरल लोन देगी मतलब इनका पूरा एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज किसमें एग्रीकल्चर लोन देने में एक ऐसी कंपनी जैसे अगर आप देखेंगे भारत में जितनी भी कार्स है या जितनी भी ट्रक्स है फॉर दैट मैटर टॉक अबाउट ट्रक्स ट्रक्स कैश डाउन पेमेंट पर नहीं खरीदी जाती मेजोरिटी ऑफ द ट्रक्स आर बॉट ऑन लोन सो अगर लोन पर मान लो 80 परसेंट ट्रक लोन पर बिकती है और ऐसा फैक्ट है और साल भर के इतने यूनिट बिकते हैं तो ट्रक लोन सैंक्शन करने के लिए टाटा मोटर्स ने क्या किया खुद की एक एनबीएफसी बना ली मतलब जो भी कस्टमर आएंगे उनको लोन चाहिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े कि भाई बैंक से लोन पास कराने के लिए सीधा सीधा एक एनबीएफसी बना दी और एनबीएफसी लोन देती है अपने ही कस्टमर को लोन देने के लिए जिससे क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट के एक इनकम मिले और आपके ट्रक्स भी से लो तो आप जाइए ना किसी भी गाड़ी के शॉप में जाइए आप टू व्हीलर फोर व्हीलर और आपको वहां पर एक काउंटर दिखता है वो बैंक के काउंटर हर बार रहेंगे जरूरी नहीं है समटाइम्स दैट काउंटर ऑल्सो टेक्स केयर और सॉरी काउंटर ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम कंपनी इन फॉर्म ऑफ एन एनबीएफसी फिर धीरे धीरे इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गई कि बैंक लोग भी उस एरिया में एंटर हो गए और एंटर होने के बाद में अब तो कॉम्पिटेटिव रेट पर लोग लोन वहीं पर ऑफर करते हैं इज सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग सो कुल मिलाकर एनबीएफसी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है इन अ पर्टिकुलर लोन टाइप पर्टिकुलर लोन टाइप में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है उदाहरण के तौर पर वापिस एक बता दू एनबीएफसी जो चिट फंड आपने सुना होगा नाम चिट फंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनबीएफसी अगर रजिस्टर्ड चिट फंड है सो इट इज काइंड ऑफ एनबीएफसी चिट फंड और कुछ नहीं है इट इज अ लोन अरेंजमेंट जिसको पैसे की जरूरत होती है पहले वो ले लेता है पहले और बाद में धीरे 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 करते करते रिपेमेंट होते ही रहता है उसका so, कुल मिलाकर बोलने का चर्चा ये है कि एनबीएफसी इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड स्पेशलाइज्ड अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसी एरिया में बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए फ्रॉड्स हुए सुसाइड हुई एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में अगर आपने नाम सुना होगा शारदा स्कैम शारदा स्कैम स्कैम रिलेटेड टू एनबीएफसी वेरी बिग स्कैम पुअर पीपल लॉस्ट देर मनी मैंने कहा एनबीएफसी बहुत प्रकार की हो सकती है एनबीएफसी क्या हो सकता है कि डिपोजिट लेने के लिए भी हो सकती है कुछ एनबीएफसी ऐसी होती है ना वो बोलती है कि आप पैसा हमारे पास जमा करवाओ एंड वी विल गिव यू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट

एंड uh, write down in your नोटबुक ये तुम्हारे नोटबुक में नहीं है टेक्स्ट बुक में नहीं है क्योंकि ये चैप्टर की एक बहुत बड़ी तकलीफ वाला काम है कि अगर मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊँगा ना आपको तो मैं कब uh, भागवत किताब आच रहा हूं ऐसा पता भी नहीं चलेगा और थोड़ी देर बाद में बच्चे राधे राधे करने लग जाएंगे तो लेट्स ठीक <laughs> है देखो हाँ, देखो 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 किसके बीच का फर्क देख रहे है? सरकार हम ओ सरकार एनबीएफसी और बैंक तो मैं बताऊं बैंक बैंक क्या कर सकता है इट कैन ओपन सेविंग अकाउंट इट कैन ओपन करंट अकाउंट एनबीएफसी कैन नॉट ओपन सेविंग और करंट अकाउंट बैंक क्लियरिंग सिस्टम का हिस्सा है एनबीएफसी क्लियरिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है इसका मतलब एनबीएफसी चेक इश्यू नहीं कर सकते डिमांड डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट इश्यू नहीं कर सकते चेकबुक का सिस्टम एनबीएफसी में नहीं होता तीसरी चीज ध्यान से सुन लो मम्मी पापा को भी आगाह करना एनबीएफसी में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला बट ध्यान रहे एनबीएफसी के डिपॉजिट्स आर नॉट कवर्ड बाय डी सी स्कीम डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट सिस्टम से वो कवर्ड नहीं है एनबीएफसी में रखे गए डिपॉजिट को इंश्योरेंस नहीं होता है बैंक में रखे गए पैसे को इंश्योरेंस होता है मतलब एक लाख रुपए तक अगर अपने बैंक में जमा कराए और अगर मान लो बैंक डूब गई तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लाख रुपए देगी बट अगर मान लीजिए आपने एनबीएफसी में पैसे जमा कराए और अगर वो एनबीएफसी डूब गई तो आपको एक रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि एनबीएफसी इज नॉट कवर्ड बाई डीआईसी सिस्टम

सेटलमेंट सिस्टम क्लियरिंग हाउस मैंने आपको बताया था बैंक इज अ पार्ट ऑफ क्लियरिंग सिस्टम चेक करिए बैंक इज अ पार्ट एंड पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नेक्स्ट एंड एन बी एफ सी कैनॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इट मैंने बोला ना डिमांड डिपॉजिट डी डी बैंक इश्यू कर सकता है एनबीएफसी इशू नहीं कर सकती डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) इज नॉट अवेलेबल फॉर एनबीएफसी डिपॉजिटर्स बट सेम चीज किसके लिए अवेलेबल है बैंक के लिए जिन जिन बच्चों के पास मोबाइल है एक बार गूगल करिए बजाज फिनेंस। बजाज फाइनेंस अगर आपके पास मनी कंट्रोल डॉट कॉम है तो एक बार सर्च कीजिए बजाज फाइनेंस क्या शेयर प्राइस चल रही है आज उसकी बजाज फिनेंस सर्च कीजिए क्या फाइव हंड्रेड 2000 दो हजार की रेंज में होना चाहिए इसमें लुट गया मैं क्या मजे ले रही तू मेरे टू थाउजेंड फाइव थर्टी फोर एनबीएफसी है बजाज फाइनेंस ये बैंक नहीं है ये क्या है एनबीएफसी तुम पूछोग सर बजाज फाइनेंस क्या काम करती है तो बजाज फाइनेंस जब आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदने जाते हो ना वाइट गुड्स वॉशिंग मशीन फ्रिज टेलीविजन ए सी मोबाइल्स इसके ऊपर अगर आप जाएंगे किसी भी स्टोर में तो आपको पता चलता है कि बजाज फाइनेंस द्वारा उसका फंडिंग होता है इन्होंने पेनिट्रेट किया है रूरल एरिया तक और जरा आप देखेंगे क्या उसकी मार्केट कीमत कितनी फ्लक्चुएट हुई थी 52 वीक लो एंड हाई 1511 से लेकर तीन हजार रुपए तक वन फाइव वन वन से लेकर तीन हजार रुपए तक बेटा जी ये क्या है एनबीएफसी मैं आप सभी बच्चों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहता हूं आज के दिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन इज वन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर नाइनटी सेवन क्रोर्स बोम बल्ला वन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर नाइनटी सेवन क्रोर्स उसके आगे क्रोर्स है मतलब मैं जिनके बारे में आपको पढ़ा रहा हूं वो कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं है बहुत बड़ी कंपनी है इस चैप्टर में सब कुछ समावेश नहीं हो सकता है यह सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन देने के लिए चैप्टर है इसमें हम ना उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने वाले डेप्थ में ना हम उसकी बाकी की कंडीशन देखने वाले बट जस्ट एक बहुत ब्रीफ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो इस चैप्टर पर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बहुत अच्छी कमांड आ गई है क्योंकि मैं कौन सा चैप्टर सिखा रहा हूं आपको पता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब समझते हो ना कंपनी की नेटवर्थ कितनी है कंपनी की नेटवर्थ आज की तारीख में कितनी है राइट right, इसमें और भी है आदित्य बिरला फाइनेंस और भी कई सारी एनबीएफसी हम उनके ऊपर सभी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे हैव यू ऑल अंडरस्टूड मुझे नहीं समझा आप मेरे को एक बात बताएंगे क्या एनबीएफसी और बैंक सेम होती है एनबीएफसी और बैंक में फर्क क्या एक डिपॉजिट ले सकता है सॉरी डिपॉजिट क्या डिमांड डिपॉजिट और करंट अकाउंट ओपन कर सकता है दूसरा वाला कर सकता है क्या नहीं एनबीएफसी नहीं कर सकता दूसरा क्या पार्ट ऑफ द सेटलमेंट सिस्टम नॉट अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम थर्ड समझ में नहीं आ रहा है डू यू थिंक सो डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट नहीं डिमांड ड्राफ्ट एनबीएफसी निकाल सकती है क्या नहीं और फोर्थ वन कैन यू से दैट द डिपॉजिट ऑफ एनबीएफसी आर कवर्ड बाई डी आईसीजीसी स्कीम नो नाउ दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट फॉर फोर मार्क्स यू आर ऑल एक्सपेक्टेड टू राइट इट डाउन डिस्टिंग्विश बिटवीन NBFC and bank. Distinguish between NBFC and bank. Distinguish between NBFC and bank. Please write it fast. ये आपकी टेक्स्टबुक में प्रिंटेड नहीं है राइट यो नॉट टॉक राइट फास्ट यू विल एबल टू डू इट really क्विकली स्टेप नंबर वन पर मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी और बैंक के बीच में फर्क क्या है एक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और दूसरी है दूसरी क्या है बैंक दोनों में फर्क क्या पहले ये बताया नाउ माई सेकेंड पॉइंट इज वॉट आर वी गोइंग टू स्टडी इट इन दिस सिलेबस देर आर टू टाइप्स ऑफ एनबीएफसी राइट क्विक राइट क्विक राइट क्विक कैन आई गो इट जो मैं अभी बता रहा हूं टेक्स्ट बुक में नहीं है आपके सो व्हाट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन? इट इज कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट तो पहली बात तो ये है कि एक कंपनी है इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ वाओ दे आर एंगेज इन द वराइटी ऑफ द बिजनेस लोन्स एक्विजिशन ऑफ शेयर डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज लीजिंग हायर परचेस Insurance business and chit business. Please come down to the page number one. Please come down to the page number one. Sorry, they are on page number one. पेज नंबर वन के अंदर अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी काफी डिटेल में दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हो बट उसको मैंने कट शॉर्ट कर आपको यहां पर बताया कंपनी विच इज रजिस्टर्डर कंपनीस ऑफ लोन एंड एडवांस लोन देना दूसरा एक्विजीशन ऑफ शेयर डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटी लीजिंग हायर परचेस इंश्योरेंस बिजनेस एंड चिट बिजनेस ई वुड लाइक टू रिट्रीट इन दिस क्लास की ऑल दीज थिंग्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए जाओगे तब आपको पहले पता करना होगा कि यह एनबीएफसी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है वो लीजिंग में है वो लोन्स एंड एडवांस में है वो चिट फंड बिजनेस में है वो पता करने के बाद आपको और एक चीज पता करनी होगी आई होप आप सभी बच्चों ने यहां तक समझ में लिया एनबीएफसी वराइटी ऑफ द टाइप्स की होती है सेकेंड चीज हमारे सिलेबस में दो टाइप के एनबीएफसी वन विच इज रजिस्टर्ड विच रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई एंड विच नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई दो टाइप के एनबीएफसी है विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई एंड वन विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई वन विच इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई इज अ पार्ट ऑफ आर सिलेबस ये सिलेबस में एंड दिस इज नॉट इन आर स्कोप ऑफ सिलेबस

नहीं तो मेरे को नोटबुक दे दे मैं खाली बैठा मैं लिख दूंगा <laughs> हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो बेशर्मो दे दो दे दो दे दो दे दो होपलेस हाँ दे नमिता बेटा आ जाना ना इधर गाई छाप ऐसे सिर पर चढ़कर बैठे हो ना डोकरी लिख दिया क्या हां अभी उसको लिखने दे उसको लिखने दे तुम गाय बकरी चरा दे <laughs> माइक लेके आया करो कल से दूर तक आवाज जाएगी फर्स्ट आइटम रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड नॉट रजिस्टर्ड विथ आरबीआई एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस रजिस्टर्ड विथ आरबीआई नाई आस्क मी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच आर द एन बी एफ सी विच आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये भी हमको पढ़ना नहीं है बट हमको पता होना चाहिए ना कि हम कौन से सिक्वेंस में जा रहे हैं सो so कौन सी रजिस्टर्ड विद आरबीआई होती है और so, कौन सी नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई ये चीजें हम डेफ में भी देखेंगे डेफ्त में मतलब ब्रीफली देखेंगे टाइप्स नो वन इज गोइंग टू आस्क मी अंगल क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पार्ट आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट इज मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा कि कौन सी कौन सी को आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है तुम मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे सर इसका मीनिंग क्या है मैं नहीं बता रहा चाहिए विकीपीडिया पे जाने का नाम डालने का उस एनबीएफसी का और सर्च करने का पता चलेगा कुछ चीजें खुद से भी करनी पड़ेगी ठीक है सो वॉट इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई ये रहा आपके नेक्स्ट पेज पर ये आपके पेज नंबर पर छपा हुआ है कहां पर पेज नंबर थर्ड पे पेज नंबर थर्ड पर क्या लिखा है एनबीएफसी रिक्वायरिंग रजिस्टर विद आरबीआई आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज बराबर है क्या आरबीआई में जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है उनके नाम आपको दिए हुए असेट फाइनेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लोन कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर्स एनबीएफसी फैक्टर्स बोलते हैं उसको मॉडगेज गारंटी कंपनीज और एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसके बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं लूंगा अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा हो तो इनको विकीपीडिया पर डाली होगा या आरबीआई की वेबसाइट पर डाली होगा इन सभी के डेफिनेशन अलग अलग आएंगे जो आप पढ़ सकते हो मुद्दा क्या था सर कि कल को अगर आप एनबीएफसी का ऑडिट करने जाओगे तो आपको हर्षद भाई ने सिखाया होगा कि पहले उस बिजनेस की जानकारी ले लेनी चाहिए तो उस बिजनेस की जानकारी में वो इन चीजों के बारे में बता रहे थे कि जो आपके एनबीएफसी है और अगर वो आरबीआई में रजिस्टर्ड है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो इस तरीके से देखना पड़ेगा रियल वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है बेटा अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सर ऐसी कौन सी एनबीएफसी है विच डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विदीआई अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक इवन अल क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट लाइड ऑल्सो दिस अगेन फॉर योर इन्फॉर्मेशन पेज नंबर वन वन एट नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई अगर आप देखेंगे तो एक चार्ट पेज नंबर टू पर नीचे ही एनबीएफसी नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई यह भी आप पढ़ सकते हो वेंचर कैपिटल फंड मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज हाउसिंग फिनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज अदर्स अदर्स में भी और टाइप है वो नहीं डिस्कस कर रहे चलो कुल मिलाकर मेरे बच्चों को आज ये तो पता चला कि सर एनबीएफसी बैंक जैसे नहीं होती है बैंक क्या एक ही टाइप की बैंक होती है कौन सी कौन सी टाइप की बैंक ठीक है सभी के फंक्शंस एक जैसे ही है बट सर एनबीएफसी वराइटी ऑफ द टाइप्स है एनबीएफसी में सर दो टाइप होती है पहले जल्दी से बताओ कौन सी दो टाइप रजिस्टर्ड विद आरबीआई नॉट रिक्वायर विद आरबीआई पहले हमने डेफिनेशन देखा डेफिनेशन के बाद में रजिस्टर्ड विद आरबीआई नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई तुम्हें इच्छा थी कि सर कौन से रजिस्टर होते कौन से नहीं होते वैसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा उसके बाद में और पहले में भी बट यस yes, मैंने बताया रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई ये दो चीजें बताई छोरी सिद इज कवर्ड अंडर आर सिलेबस RBI, with RBI, not with RBI. अब मैं आपको बताता हूं, हुआ क्या यहां से हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस शुरू हो रहा है हमने एनबीएफसी को बनने दिया पहले उनको लोन देने के लिए बोला आप लोन दो क्योंकि हम चाहते थे कि जो व्यक्ति लोन दे रहे वो कम से कम कहीं तो रजिस्टर हो पहले तो कौन व्यक्ति किसको लोन देता है और कितना एक्सप्लाइड करता है यह कुछ पता ही नहीं था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो नहीं हो रहा था क्योंकि लोग विशेष सर्कल में फंस जाते थे इंटरेस्ट के तो एनबीएफसी को पहले बनाना जरूरी था बट अब आप देखिए भारत की तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है एनबीएफसी बनाए एनबीएफसी लिस्ट भी हुई कुछ एक एनबीएफसी का हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेक किया बहुत तगड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन था अब इन कंपनियों को एट पार लाना जरूरी हो गया बैंक के साथ तो पहले ढील दी ढील दी मतलब उनको बोला जो करना है वो करो लोन दे रहे थे वो लोग उनके ऊपर नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे बट अब जाके उन पर नकेल कसी गई है और मेरे बच्चों अमेंडमेंट के तौर पर 2016 में क्या हुआ कि उन्होंने एन को बैंक के बरोबरी लेकर आने की कोशिश की मतलब एच बैंक और बजाज फाइनेंस ये कंपनियों का कंपैरिजन करने के लिए उनके ऊपर जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स है इनकम रिकग्निशन नॉर्म्स है पी के नॉर्म्स है वो सारे नॉर्म्स सिमिलर लाइन पर लाने की कोशिश कर रही है और ये फेस्ड मैनर में हुआ 2016 से आगे फेस्ड दो हजार सोलह से मैं इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा जैसे बैंक में पढ़ाया था इनकम पूछ लो बैंक में इनकम रेकग्निशन कैसे होता था परफॉर्मिंग असेट पर कैसे होता था एक्रोहल नॉन परफॉर्मिंग बेसिस पर एब्सोल्यूटली राइट right. दूसरा अगर मैं आपसे यह कहूं कि उन असेट का क्लासिफिकेशन होता था क्या लोन्स एंड एडवांस के हिसाब से अलग अलग टाइप के, के, अलग -अलग के रिसीवेबल होंगे उनके. होता है यहां पर ऐसा नहीं है अलग अलग टाइप के रिसीवेबल्स होंगे उन सभी के ऊपर आपको क्या करना होगा प्रोविजनिंग नॉर्म्स और ये प्रोविजनिंग नॉर्म्स के लिए उनको आपको क्लासिफाई करना होगा इन वॉट पार्ट स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस ऐसे चार क्लासिफिकेशन होते थे सिमिलर yeah. टाइप का क्लासिफिकेशन हमको करना पड़ेगा किसमें एन बी एफ सी डी ऑल एप्रिशिएट दिस ना बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज लिसन टू मी पीसफुली ऑल आई एम टीचिंग इन दिस टॉपिक इज एनबीएफसी रजिस्टर्ड अंडर वॉट आरबीआई अब मैंने कहा इसमें अमेंडमेंट था पूरी क्लास अगर सुनेगी तो सुनो धन से बेटा एनबीएफसी को अब नॉर्म्स के लिए क्लासिफाई किया गया तीन हिस्सों में राधर दो हिस्सों में पहले प्राइमरीली पूरी क्लास अभी ध्यान से सुनो प्लीज ध्यान से सुनो बाद में मैं ना लफड़ा हो जाएगा इसमें वन इज डिपॉजिट टेकिंग मतलब जो आपसे डिपॉजिट लेती है और दूसरा नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनडीआई लिख दू या एनडीटी ठीक है ऐसे लिखते नॉन डिपॉजिट टेकिंग मतलब ये लीजिंग कंपनी हो सकती है फाइनेंसिंग कंपनीज़ हो सकती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग इसके अंदर दो पार्ट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड रेसिडरी अदर्स एनबीएफसी आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग डिपॉजिट टेकिंग एक वराइटी बनता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग इज फर्दर डिवाइडेड इंटू वॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड अदर्स इंटरेस्टिंग बात यह है पांडे जी इन दोनों के प्रोविजनिंग नॉर्म्स टाइट किए गए हैं इन दोनों के प्रोविजनिंग नॉर्म्स टाइट किए गए टाइट मतलब दे हैव मेड इट एट पार बैंक और इसके प्रोविजनिंग नॉर्म्स में पहले के मुकाबले 2016 के पहले के मुकाबले कोई चेंज नहीं है तो एग्जाम में तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते अभी आपके बैंक के प्रोविजनिंग नॉर्म्स पूछ सकते आपको प्रोविजनिंग नॉर्म्स पूछ सकते हैं डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंगली इंपॉर्टेंट ये दोनों सेम है इसके अंदर और भी कुछ प्रॉब्लम है आपको डेट भी ध्यान से देखनी पड़ेगी कब का पूछ रहे 2016 के पहले का 2016 के बाद का 2017 का 2018 का क्योंकि इन हरेक केस में प्रोविजनिंग नॉर्म्स चेंज हुए थे तो जिस समय लोन आउटस्टैंडिंग था उस समय वो क्या क्लासिफाई हुआ था उसके पे प्रोविजनिंग नॉर्म्स याद है ना कि हम प्रोविजन क्रिएट करते थे लोन एडवांस परसेंटेज अप्लाई कर पूछने की दरख्वास्त करता हूं कि क्या आप समझ पा रहे हो एनबीएफसी विच इज रजिस्टर्ड विदिन को पढ़ाई करने के बाद में उसमें प्रोविजनिंग नॉर्म्स है प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बाद में मैंने बताया कि आरबीआई ने कुछ एक नया नोटिफिकेशन निकाला था 2016 में जिस नोटिफिकेशन के तहत एनबीएफ क्लासिफाई हुई दो हिस्सों में पहला वाला डिपॉजिट डिपॉजिट टेकिंग टेकिंग में कोई भी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है सिंपल सिंपल लॉजिक है डिपॉजिट टेकिंग तो उसका प्रोविजनिंग नॉर्म्स और दूसरा वाला कौन सा नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो डिपॉजिट नहीं लेते हैं बट उसमें क्या है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट और बाकी का अदर्स मैंने फिर आपको कहा कि जो डिपॉजिट टेकिंग है और जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इन दोनों के norms, है। करते हो कि इजी होगा आपको। बाकी भरोसा मतलब कौन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वो होते हैं जिनका अटबेस फाइव हंड्रेड करोर के ऊपर है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कौन सा होता है जिसका असटबेस फाइव हंड्रेड करोर के ऊपर है तो तुम मुझे पूछोगे सर डिपॉजिट टेकिंग का अगर असेट बेस हंड्रेड करोड़ रहा तो भी लो दस लाख रहा तो भी लो पचास लाख रहा तो भी लो जो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है उसको आरबीआई ने अपने कंट्रोल में ले लिया प्रोविजनिंग नॉर्म्स के लिए तो वो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट उसके लिए नहीं है उसके अलावा कोई कंपनी है तो उसका असट बेस अगर पांच करोड़ के ऊपर है तो उन्होंने कहा नहीं ये कंपनी इंपॉर्टेंट है इसके प्रोविजनिंग नॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा और बाकी की जो छोटी मोटी कंपनियां थी एनबीएफसी उनको इग्नोर कर दिया गया यस और नो सो एवरी वन इज नाउ रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू पेज नंबर थर्टीन पॉइंट फोर पर पॉइंट नंबर सिक्स थर्टीन पॉइंट फोर पर पॉइंट नंबर सिक्स अरे देर बट आज हमको इतना ही देखना है उसके आगे हम नहीं जाएंगे देख लो कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग प्रोडेंशियल रेगुलेशन प्रोडेंशियल रेगुलेशन का मतलब क्या है प्रोविजनिंग नॉर्म्स आपको और एक बात बता दूं एनबीएफसी में दो टाइप के प्रोविजन होते हैं एक नॉर्मल प्रोविजन और एक होता है एडिशनल प्रोविजन एक होता है नॉर्मल प्रोविजन और एक होता है एडिशनल प्रोविजन तो उसमें पहला वाला है एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग दूसरा वाला है नॉन डिपॉजिटिंग डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और तीसरा वाला कौन सा है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे अदर्स और इन दोनों के प्रोविजनिंग नॉर्म्स आर सेम प्रोविजनिंग नॉर्म्स आर सेम अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं और इसका प्रोविजनिंग नॉर्म सेम नहीं है इसका अलग है चर्चा का विषय सर पांडे जी ऐसा है अभी तक तो मुझे इतना ही बताना था और मैंने बता दिया कल का लेक्चर प्लीज मिस मत करना क्योंकि मैं क्लास में ही करा दूंगा और घर जाके अगर आप इसकी थेरी पढ़ोगे तो इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स इसको मैंने काफी सिंपल सिंपलीफाई किया है तो प्लीज डू नॉट मिस टोज लेक्चर ठीक है चलो प्यार से भाई बोलो और कल एनबीएफसी खत्म हो जाएगा ठीक है ना यस खुदाफिज केयर बाय